हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। चीजी ब्रश पिज़्ज़ा तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु सब समय मार्केट से पिज़्ज़ा लेना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आज हम लोग घर में ही बिना ओवन और बिना ईस्ट का कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बहुत ही सॉफ्ट शीट के साथ। दोस्तों, इसका टेस्ट इतना फैंटास्टिक होता है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया जाए। ये मैं 150 ग्राम के लगभग मैदा ली हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेंगे, 1/2 चम्मच चीनी डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डाल लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर मैदा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तभी शीट सॉफ्ट बन पाएगा। अब इसमें 4 चम्मच दही डाल लेंगे। मलाई वाला दही होने के कारण यह कहीं कहीं पीला भी दिख रहा है। आप कोई सा भी दही यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार करेंगे। यह अभी बहुत सूखा दिख रहा है, थोड़ा सा दही और डाल लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, दही थोड़ा थोड़ा ही करके डालिएगा, नहीं तो यह ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसे इस प्रकार फिंगर से प्रेस करते हुए डो तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं ताकि डो तैयार करने में आसानी हो। इसका डो बहुत ही सॉफ्ट बनाया जाता है, तभी शीट सॉफ्ट बनती है। इसे 5 मिनट तक इसी प्रकार पटकते हुए डो तैयार करेंगे, तभी डो अच्छा बन पाएगा। 5 मिनट हो गए, देखिए डो तैयार हो गया। अब इसे ढक कर 10 मिनट रेस्ट लेने देते हैं। 10 मिनट हो गए, चलिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया जाए। डो का 3 हिस्सा कर लेंगे। 3 हिस्से में 1 हिस्से का 1 लोई और 2 हिस्से का 1 लोई बनाएंगे। देखिए दोनों लोई तैयार हो गए। अब तवा गर्म होने के लिए रख लेते हैं। तवा गर्म हो रहा है तब तक छोटे वाले लोई को बेल कर रोटी की तरह बना लेते हैं। एक बार फिर इसमें सूखा मैदा लगा लेंगे ताकि इसे पतला बेल पाए। देखिए यह रोटी की तरह पतला बिल गया। अब इसे तवे पर डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का सा सेकना है। देखिए रोटी दोनों साइड से सिक गई। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें नमक को डाल लेंगे। ये नमक बहुत काला दिख रहा है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी रेसिपियाँ बना चुकी हूँ। इसे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे। मैं स्टील का कढ़ाई यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक स्टैंड रख लेंगे। अब इसे ढक कर गर्म होने देंगे। नमक गर्म हो रहा है तब तक हम लोग दूसरे लोई को भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। पहले लोई को तो बहुत पतला बेला गया था, लेकिन इसे थोड़ा मोटा बेलेंगे। अब चलिए जिसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे उस प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। प्लेट में बटर को गर्म कर लगा लेंगे, या आप बटर के जगह घी भी यूज कर सकते हैं। अब इस बेले गए शीट को उठा लेते हैं और ग्रीस किए गए प्लेट में अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसमें फोर्क की सहायता से इसे छेद कर लेंगे ताकि यह रोटी की तरह फूल ना पाए। अब इसमें चीज़ को रख लेते हैं। आप चाहे तो इस जगह पर लिक्विड चीज़ भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर और सेकी गई रोटी को रख लेंगे। इसके किनारे को सील कर लेते हैं। इसे अच्छी प्रकार से बंद कर देंगे ताकि चीज़ बाहर ना निकल पाए। चीज़ को अंदर डालना ज़रूरी है, तभी शीट सॉफ्ट बन पाएगा।
अब इसे भी फोर्क की सहायता से छेद कर लेंगे। अब इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। यदि घर में पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लग गया। अब इस पर एक चम्मच चिली सॉस लगा लेते हैं ताकि इसका टेस्ट हल्का स्पाइसी लगे। चिली सॉस थोड़ा कम लग रहा है, एक चम्मच और डाल लेते हैं। एक चम्मच शेजवान चटनी डाल लेंगे। अब इस पर बहुत सारे चीज़ को डाल लेंगे। ये मैं अमूल का मोजरेला चीज़ यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी चीज़ यूज कर सकते हैं। अब इसे कैप्सिकम से टॉपिंग कर लेंगे। अब इसे टोमेटो भी रख लेते हैं, थोड़े प्याज भी डाल लेंगे। देखिए पिज़्ज़ा की टॉपिंग रेडी है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी थोड़ा चीज़ डाल सकते हैं। अब इसके किनारे किनारे बटर लगा लेंगे। किनारे में आप बटर ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये किनारे से सख्त बन जाएगा। ये मैं बटर को मेल्ट कर लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह भी घी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा अब बेकिंग करने के लिए रेडी है। चलिए अब इसे बेक किया जाए।